Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Hello, दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट. और दोस्तों, इस बार का व्लॉग होने वाला है कुछ अलग और थोड़ा खास, क्योंकि अभी तक बनाए थे भाई हमने दिल्ली के व्लॉग, लेकिन भाई आज बना रहे हम लोग चंडीगढ़ में व्लॉग. जी हाँ दोस्तों, हम लोग हैं अभी चंडीगढ़ में, तो भाई यही के हम बनाएंगे व्लॉग और ज्यादा टाइम नहीं लेते हो भाई, चलते हैं वीडियो में आगे. तो फाइनली दोस्तों, काफी देर वेट करने के बाद जो ना भाई हमारी कैब आ चुकी है, और ये हमारे कैब वाले भाई हैं. क्या नाम भाई आपको? ये भाई हमारे संदीप भाई. और भाई दिखाता हूँ आपको पीछे का व्यू. और भाई रोड यहाँ के बहुत जाते होते खतरनाक है. और दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, हम चंडीगढ़ से थोड़ा सा बाहर आके जो ना हम लोग जा रहे हैं टिक्करताल. यहाँ मोरते हिल्स में जो आप मौजूद है ना, वही टिक्करताल घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग. दिखाता हूँ भाई बैक कैमरे से आपको इसका पीछे का व्यू. तो दोस्तों रस्ते में हम लोग हैं थोड़ा सा भाई चीज देखने के लिए. भाई वहाँ का इतना जबरदस्त भाई, क्या क्या बोला भाई आपने? मतलब अभी हम ज्यादा नहीं चले, लेकिन भाई नीचे देखने के बाद ऐसा लग रहा है हम लोग कितनी ऊंचाई पर आ गए. हाँ भाई बहुत ज्यादा ऊंचाई लग रही है, ऐसा लग रहा है मतलब पहाड़ों के बीच में आ गए. तो भाई ये देख लो, हमारे साथ में कैब वाले भाई भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में. और दिखाता हूँ भाई बैक कैमरे से आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू. देखो भाई सामने पे ऐसा लग रहा है बादल नहीं आए उनके ऊपर बादलों में. ओ भाई क्या जबरदस्त है ना, बहुत ज्यादा ही खतरनाक भाई. देखना दिखाना भाई. भाई देखो सामने का व्यू, बहुत ऊंचाई पे हम लोग यार. तो दोस्तों चलते हैं और ऊपर को, क्योंकि भाई अभी थोड़ा सा ऊपर आया, अभी भाई काफी टाइम लगेगा हम ऊपर चलने में. और भाई भाई बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब हमारी हेल्प कर रहे हैं घुमाने में फिराने में. जैसे जैसे भाई हमारे लिए न्यू है, एज अ फ्रेंड भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं हमें घुमाने के लिए. भाई ये सब है यहाँ पे रिजोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे आप आकर जो ना स्टे वगैरह कर सकते हो. तो दोस्तों ये मेरे पीछे कुछ रिजोर्ट्स वगैरह हैं भाई, यहाँ पे आकर जो ना आप अपने लिए होटल वगैरह बुक कर सकते हो या स्टे करने के लिए. और भाई यहाँ पे जो ना सारी फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल है. कैब वाले भाई ने हमें थोड़ा बताया क्या भाई आप यहाँ पे एक दिन दो दिन चार दिन मतलब जैसा आपका प्लान हो भाई उसी प्लान के अकॉर्डिंग भाई आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो. तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं भाई अपनी लोकेशन पर. हाँ जी हाँ दोस्तों, अब हम दिखाते हैं भाई हम लोग आए थे कहाँ घूमने के लिए. तो दोस्तों हम आए हुए थे मोरनी हिल्स. जी हाँ दोस्तों, जो हरियाणा में स्थित है मोरनी हिल्स वहीं पाए थे. और ये है भाई मोरनी हिल्स का टिक्कर लेक टिक्करताल. तो भाई आप टिक्करताल में देखो ये एक्टिविटीज कर सकते हो, जेट स्कूटर, टोपो बनाना राइड, पैरा मोटर. ये सामने हमारे जफर भाई, कैसा फील करो जफर भाई यहाँ के? जबरदस्त चला. हमारे कैब वाले भाई और भाई जफर भाई देखो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए. भाई तो <भी। laughs> तो फाइनली अजीम भाई ऊपर तक चढ़ गए हैं, उतरना तो बहुत आसान है भाई. दोस्तों इतना आसान लग रहा था, इतना आसान नहीं है. सांस ही बहुत फूल गई भाई. उतर तो भाई एकदम गया मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चढ़ने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था यार. और जो भाई बंदे एक्सपर्ट होते हैं ना, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हम तो नहीं हुए. तो दोस्तों आगे हम लोग एडवेंचर पार्क में, और भाई यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ. तो भाई यही एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो. भूत बंगला,
ब्रिज रॉक क्लाइंबिंग कैपिटल एरिया रिवर फ्लो भाई है इसका एंट्रेंस गेट एंट्री गेट चलते हैं भाई सामने भाई 50 रुपये टिकट और देख लो टिकट भी ऐसी जगह बना रखा है टिकट हाउस भी हाँ भूल बंगले से कम भी नहीं है भाई एंट्री भाई इसी यहाँ से है इसका कौन ले जाए भाई भाड़ के आप कहाँ करे तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे भूत बंगले के पास में दिखाता हूँ भाई बैक कैमरे से आपको भूत बंगले के पास का थोड़ा सा व्यू उसके अंदर जाएंगे देखते हैं भाई कितना डर लगता है हमको यह भाई भूत बंगला और ये हमारे जफर भाई कह रहे हैं आज मैं भी देखूँ कैसे होते भूत भाई इधर जीप पहली बार पड़ी है भाई कुछ भी दिख रहा भाई अंधेरा अंधेरा है बंगले के अंदर तो भूत मिले ही नहीं हमें यार जफर भाई का पूरा प्लान था आज भूत बंगले से लड़काना है और दो चार पटकी देखाना है मैं तो सोच रहा था भाई आज भूतों से 200-400 हाथ बजा तो भाई छोटा सा आपको बता रखा था ऊपर चढ़ गया हवा चल गया बहुत तेज और भाई इसके ऊपर आने के बाद यहाँ का और ज्यादा ही जबरदस्त बनाता है भूत बंगले में ऐसा कुछ खास था नहीं भाई जो लगे भूत बंगला है ये है भाई यहाँ की भूल भुलैया तो भाई ये है मोरनी हिल्स की भूल भुलैया छोटी सी भूल भुलैया है भाई ये तो दोस्तों भूल भुलैया से बाहर आ गए भाई चल रहे आगे को कुछ भी कहो भाई है घूमने लायक जगह ये जबरदस्त है भाई घूमने के लिए एकदम ये देखो भाई पीछे बैक कैमरे से एक चीज दिखाता हूँ आपको देखो भाई भाई रस्ते पर चल रहे हैं तो दोस्तों चलते हैं इस पे रोप ब्रिज पर वंस मोर भाई दो बार ट्राई करा यार दोनों भाई गिर दोनों बार जो ना मैं गिर गया लेकिन भाई गिरने की कोई बात नहीं लेकिन मजा फुरा रहा भाई आज हाँ अजीम भाई फिर से चल पड़े दो बार गिरने के बाद तीसरी बार ट्राई करने भाई अब मैं अकेला हूँ भाई पर जाता बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है फिर गिरेंगे अजीम भाई गिर गए तो दोस्तों जो ना अभी से ट्राई करूंगा उसमें तो भाई तीन बार कोशिश करने के बाद फेल हो गया अब करता हूँ भाई इसे ट्राई ये तो आसान लग रहा है बहुत इसे तो कर लेंगे जी भाई नहीं कर पाओगे यार भाई यार रिस्क मैं तो लेंगे नहीं मुझे इनमें जीत नहीं करनी भाई साथ में मैं आपको एक चीज और दिखा दूं यहाँ पर ये देखो यहाँ पर टाइगर शेर आ चुका है अजीम भाई जल्दी करो आप जल्दी आ जाओ तो अजीम भाई ने जल्दी कर लिया है जीत गए भाई तुम तो भाई एक रोप ब्रिज पे तो भाई हम तीन बार फेल होगा एक को भाई कर लिया हमने पार एक को भाई क्लियर कर लिया है अब चलते है भाई ब्रिज पर ये है भाई रिप ब्रिज ये भाई यहाँ की इस पर चलने का जीना इसका ओहो तो फाइनली ऊपर चढ़ गया भाई लेकिन थक बहुत गया यार तो भाई
भाई यही था इसका एडवेंचर पार्क का थोड़ा सा भाई व्यू, और बाकी जो है ना ज्यादातर इसमें जो है ना किड्स वगैरह के लिए ज्यादा खेलने के झूले वगैरह है, पर बड़ों के लिए बहुत कम है, किड्स वगैरह के लिए ज्यादा, क्योंकि भाई ये किड्स पार्क कह सकते हैं, तो ऐसे इसको ये बच्चों को एंटरटेन करने के लिए है। ये भाई देखो रॉक क्लाइंबिंग, भाई मैं जा रहा हूँ हिल क्लाइंबिंग करने के लिए, इसको ट्राई करते हैं। तीन चार झूले हमने ट्राई कर लिया, अभी इसको ट्राई करके देखते हैं कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, कर लेंगे इसको भी, है ना। तो दोस्तों एडवेंचर पार्क से आ गए भाई हम बाहर, और भाई चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आज। अब चलते हैं भाई अपनी कैब की तरफ, गर्मी बहुत लग रही है भाई। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए अपने रूम पे, क्योंकि भाई मौसम हो गया था खराब, इसलिए भाई घूमने का प्लान करना पड़ा कैंसिल, और आ गए भाई अपने रूम पे। और यार एक नुकसान और हो गया, हमारा जो माइक था ना वो भी हो गया, पता नहीं भाई जल्दी जल्दी में मौसम खराब होने की वजह से हम जल्दी जल्दी निकले, वो भाई पता नहीं कहाँ गिर गया। लेकिन भाई कोई नहीं, अगर आपको भाई ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।